दोस्तों नमस्कार। नवाब मलिक के मंत्री पद को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जेल में बंद दिल्ली के आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन व महाराष्ट्र के नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका को प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष रखा जाएगा, इसके बाद ये सूचीबद्ध किया जाएगा कि इस मामले पर सुनवाई कब और कैसे करनी है। मंत्री जैन व नवाब मलिक को अलग अलग आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दोनों नेता अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। गुरुवार को मामले को अर्जेंट सुनवाई की मांग करते हुए आकाशकालीन पीठ के जस्टिस सीटी रवि कुमार और सुधांशु लुधिया के समक्ष उल्लेखित किया गया था। ये PIL अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की है। इसमें मांग की गई है कि दिल्ली व महाराष्ट्र सरकार को दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि एक मंत्री ने न केवल एक लोक सेवक है बल्कि एक विधायक भी हैं। उसे IAS अधिकारियों व अन्य लोक सेवकों की तरह दो दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद में पद से अस्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए। उपाध्याय ने याचिका की अर्जेंट सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता का गंभीर उल्लंघन है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है जवाब निकल करके सामने आया है कि इसको लेकर के जो दरअसल जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ में चर्चा की जाएगी और उसके बाद में इसको दरअसल स्केड्यूल किया जाएगा कि इस पर सुनवाई कब और कैसे करनी है। बहरहाल जो नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर के जो याचिका दायर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट से जो ये खबर आई है इस पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।